हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहां से हम लोग 125 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और यहां से 60 से 70% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो यहां पर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप साथ में जो बने रहिएगा, पूरी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा, एक नंबर का जल्दी से आप लोग बताइए अगर इसका आंसर जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी गुणमय धनात्मक परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग एकदम क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर दो क्या बोला जा रहा है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर का आपको जल्दी से ही बताने हैं। तो दूसरा नंबर का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी डॉक्टर महबूबुल हक, राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, फटाफट से आप लोग करेक्ट आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर तीन का क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को इन चारों ऑप्शन में से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी मिस्र जो है सबसे यानी विकास वाला, सॉरी उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ठीक है, मिस्र राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, चार नंबर को देखेंगे, क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर नीचे देखेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग को जल्दी से बताने, इन चारों ऑप्शनों में देखिए और फटाफट से जवाब देने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर चार नंबर का डी नंबर म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यांमार राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करेक्ट आंसर जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है जी हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पाँच नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव स्तर में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास में सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना आप लोग। ठीक है जी हाँ, अब आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से चलिए अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है, तो यहाँ पर छः नंबर राइट आंसर क्या हो, छः नंबर यानी चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो सात नंबर का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, श्री नंबर यानी डॉक्टर महबूबुल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा मापक है। तो यहाँ पर आठ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को सारे ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, नौ नंबर। तो नौ नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा, कह रहा है कि मानव विकास का कौन सा उपागम यानी अमर्त्य सेन द्वारा यानी प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर का, नौ नंबर का ये सारा फटाफट से आप लोग देखिए और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो करेक्ट जो है हो जाएगा डी नंबर, यानी अभिक्षमता उपागम हो जाएगा। देखिए इस वीडियो को आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। और आप लोग का हर दिन जो है 7:30 में क्लास होगी और आज का क्लास बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है, तो आप लोग तैयार रहना। ठीक है, चलिए अब यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौगोलिक प्रगति की जा सकती है, यह कथन निम्न में से किस देश का संदर्भ में सही है। तो 10 नंबर का करेक्ट कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, तो सी नंबर राइट आंसर यानी भूटान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग का आंसर भी सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ स्टूडेंट का गलत आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिए सारे। अब यहां देखिए, विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाला दो देश हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का। तो 10 नंबर का राइट आंसर हम लोग जल्दी से ये सारे ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या है, स्विट्जरलैंड, उसके बाद क्या है, नॉर्वे, जर्मनी, उसके बाद यहाँ पर नॉर्वे, सिंगापुर है। तो यहाँ पर नॉर्वे, सिंगापुर हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब आगे देखते हैं, जो अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके दोबारा से आप लोग समझ करके पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि समझ समझ के समझ को समझो, समझना ही एक समझ है। अब यहाँ देखिए,
क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो यहाँ पर 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का राइट आंसर ए नंबर रेड जेल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड जेल हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पर जो निम्न में से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं, तो बी नंबर रोपण फसल क्या है, गन्ना जो है रोपण फसल नहीं है। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाए, 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। तो जल्दी से आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा 14 नंबर का, तो 14 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सहकारी फसल जो परीक्षण नहीं किया गया डेनमार्क में नहीं किया गया था। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को 2019 और 2017 उसके बाद 2000 यानी ये लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी पुष्पोत्पादन कहते हैं, ठीक है। चलिए पुष्प उत्पादन, अब यहाँ देखते क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 16 नंबर कह रहा है कि कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग देखिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए, तो डी नंबर यानी रोपण कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है आप लोगों का, क्या बोला जा रहा है, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को क्या करना है, इसका जवाब देने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर डी नंबर यानी अमेजन बेसिन हो जाएगा, ठीक है, अमेजन बेसिन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो 18 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी भूमध्य सागरीय कृषि राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कीर्तन दहन कृषि का प्रकार है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शायद आप लोग को थोड़ा सा टफ भी लगता होगा, लेकिन आप लोग दोबारा से इसके स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्लीज़, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो निम्न में से कौन सी जो है एकल कृषि नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी मिश्रित कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग करना क्या है कि 7:30 में तैयार रहने हैं, क्योंकि हर दिन जो है इसी चैनल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस होती है, उसमें आप अपने आप को जाँच कर सकते हैं कि कितना मेरा मार्क्स आ रहा है और टेस्ट एग्जाम भी ली जाती है। अब यहां देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो यहां पर 21 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जो है आप लोग को प्रश्न पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हर हाल में जुड़ जाना। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, प्राथमिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी कोलखोज कहा जाता है, ठीक है, कोलखोज। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 24 नंबर कह रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख कहा जाता है। तो कहाँ पर कहा जाता है, किस देश में, तो राइट आंसर बी नंबर यानी मलेशिया तथा इंडोनेशिया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फॉर्मिंग का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, जल्दी से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है, दोबारा से देखना है अगर आप लोग इस बार अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी फल व सब्जी कृषि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित, हॉर्टी, तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी फल व सब्जी से, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है,
चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित किससे है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने हैं, क्या होगा डी नंबर होगा, देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से दिखा दें, ताकि आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर गहन कृषि यानी निर्वाह कृषि हो जाता है, ठीक है जी हाँ। अब बढ़ते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 28 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन बगावती कृषि है, तो निम्न में से कौन जो है बगावती कृषि है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर राइट आंसर क्या, डी नंबर में चाय राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बगावती यानी बागवानी हो जाता है, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जाएगा, कह रहे कि ब्राजील में कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है, यानी कॉफी के बागवान को क्या कहा जाता है ब्राजील में, तो यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर ए नंबर जो है फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, और ये जो है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हुआ हूँ, तो इसका राइट आंसर डी नंबर मिश्रित कृषि हो जाएगा, ठीक है मिश्रित कृषि। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, चलिए फटाफट से देखिएगा क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 31 नंबर, कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, तो 31 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं फटाफट से, चले बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज में क्या होता है प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 32 नंबर कह रहा है कि चलिए जल्दी से देखने की कोशिश करिए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो 32 का राइट आंसर बी नंबर यानी द्वितीयक राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वितीयक, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, तो निम्नलिखित में से जो कौन सा रोपण फसल है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर कोको राइट आंसर जो है ये क्या है रोपण फसल है कोको, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को लगता है बहुत सारे को धान जो है रोपण फसल में आता है, तो नहीं आता है धान रोपण फसल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 34 नंबर, सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही है, तो कहाँ पर किस देश में रही है, तो 34 का यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी डेनमार्क हो जाएगा, डेनमार्क में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। देखिए ये स्टार पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग को इस बार पूछा जाएगा, ये 100% जो श्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 36 नंबर, करेगी यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता यानी गया है, तो 36 का राइट आंसर क्या जाएगा, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन में देख लेते हैं कि ए नंबर में या फिर बी नंबर में, तो राइट आंसर क्या होगा रोपण कृषि राइट आंसर हो जाएगा, रोपण क्या रोपण हो जाएगा जी हाँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 37 नंबर, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है, रबर जो है किस प्रकार की कृषि की उपज है, तो यहाँ पर 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर यानी रोपण कृषि हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट लोग रोपण कृषि हो जाएगा, ठीक है जी हाँ रोपण हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की, आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो निम्नलिखित में कौन जो है रोपण फसल है, तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर यानी चाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा चाय जो है रोपण कृषि। किसान का डेंट्राइट किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी से आप लोगों को क्या करें जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा नहीं नगोया को कहा गया है ट्रेड यानी डेंट्राइट कहा गया है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है 40 नंबर कह रहा है वीवीआई है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो मैनचेस्टर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी सूती वस्त्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूती वस्त्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीन में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, चीन में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर यानी क्या हो जाएगा यांगस्टी बेसिन, राइट आंसर क्या है तो क्या हो जाएगा यानी यांगटीसी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 42 नंबर, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं इसका, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
मिलिन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये किस देश में है? तो इसका 42 नंबर जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी इटली में है, यानी क्या है, मिलिन रेशमी वस्त्र का उद्योग, ठीक है जी हाँ। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है, तो टोयोटा कंपनी जो किस देश की है, तो इसका राइट आंसर 43 का क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, बी नंबर यानी जापान की है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। अब यहाँ देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है, तो कौन सा जो है द्वितीयक व्यवसाय है, तो यहाँ पर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी कुटीर उद्योग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है कुटीर उद्योग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, टेलीविजन राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेलीविजन, ठीक है जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, को जरूर जो आप लोग शेयर करिएगा, और जो चैनल में नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को मैं बता रहा हूँ 7:30 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सो आप लोग जल्दी से जो है आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोग टाइम पर जुड़ पाओगे और नोटिफिकेशन भी पहुँचेगा। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 47 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, जूट जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किसे किस एक को कहा जाता है, तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताने हैं आप लोगों को। चलिए तो बी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, पीट्सबर्ग क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है पीट्सबर्ग क्षेत्र। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 49 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश का उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49 नंबर का, तो 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, जापान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जापान जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, तो यहाँ पर 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 51 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है, तो यहाँ पर 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर हौजरी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है हौजरी जी हाँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे इंपॉर्टेंट है, और आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो ये हेल्प करेगी ये सारे प्रश्न, ठीक है इसलिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक छोड़ना नहीं है वीडियो को। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बोलिएगा, तो यहाँ पर जो हमारा 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बोलिए, सी नंबर हो जाएगा, यानी सी नंबर में क्या है, जनसंख्या घनत्व राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 53 नंबर का ए नंबर यानी आधारभूत उद्योग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग को पता हो जाना चाहिए पढ़ करके। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा, 54 नंबर का, तो 54 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी व्यापार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है व्यापार। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है कि आखेट निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो यहाँ पर 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी मछली पकड़ना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने आप लोगों को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग को, 56 का जवाब देने हैं, तो 56 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, डी नंबर में क्या है, सेवा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वे काम जिसमें उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो 57 राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए तो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है,
तो यहाँ पर सेल्टर है, सेक्टर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बोलिए, सेल्टर नहीं होने सेक्टर ही होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन देख करके तो राइट आंसर यानी 58 का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर में क्या है, यानी विश्वविद्यालय अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अध्ययन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग को मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सारा स्टूडेंट जो है इसका सही आंसर दे पाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मैं दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा इसका आंसर। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, तो यहाँ पर 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो 59 राइट आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर देख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला, 60 नंबर कह रहा है कि शिक्षा वो सूचना क्रियाकलाप है, शिक्षा वो सूचना जो है क्रियाकलाप, कौन सा क्रियाकलाप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं चतुर्थक क्रियाकलाप है। ठीक है, अब यहाँ देखते क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी क्या हो जाएगा, बाहम सर्वोत्तम। ठीक है, बाहम सर्वोत्तम जो है ये क्या है, पंचम क्रियाकलाप है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पर 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी यूरोप में आते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में से है कौन है, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, यानी पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा, यानी स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय जो है निम्न में से कौन यानी क्रियाकलाप है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 64 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वर्तमान में सबसे बड़ा उभरता हुआ तिर्यक क्रियाकलाप है, तो इसका राइट आंसर 64 नंबर का, तो यहाँ पर जो है पर्यटन होना चाहिए। ठीक है, पर्यटन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन, जी हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर में पर्यटन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि संचार में निम्न में से किसका जो परेशन सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर 65 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग का तो जवाब आ चुका है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर जो जाएगा, डी नंबर, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर कह रहा है कि बहम स्रोतीकरण सहायक है, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए आप लोग, क्या होगा, डी नंबर, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारा पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, मैं फटाफट करने के लिए मैं आप लोग को दिखा दिया, स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी विश्वविद्यालय शिक्षक राइट आंसर क्या हो, चतुर्थ सेक्टर के क्रियाकलाप हैं। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिए, ये सारे ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन देखने के बाद जो इसका आंसर होगा, यानी पंचम क्रियाकलाप, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब बोल लें। चलिए तो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन आ चुके, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप है, तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर क्या है, बी नंबर में क्या है, कह रहा है कि यानी व्यापार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 70 नंबर क्या बोल जा रहा है, कह रहा है कि विश्व के अधिकांश महान पतन इसी प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार से किए गए हैं, तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नौसेना पतन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किसी एक विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो यहाँ पर 71 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देंगे, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है, तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में व्यापारों में से भारत किसका एक सह सदस्य है, तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन में, डी नंबर क्या है, ओपेक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्या बोला जाएगा, ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ओपेक का सदस्य जो संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, यानी सऊदी अरब नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, जवाब दीजिएगा, क्या कह रहा है, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, तो यहाँ पर हमारा 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी जर्मनी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस भारत
किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, सार का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का कौन जो है सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया राइट आंसर बी नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 78 नंबर का सी नंबर यानी न्यूयॉर्क हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देंगे। कह रहे कि कोची वो कारवर्ड है, तो कोची वो कारवर्ड क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी क्या जो नौ सैनिक पत्तन है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 80 नंबर विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल का संचयन करने वाले पत्तन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 80 नंबर का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, पोर्ट ऑफ कॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोर्ट ऑफ कॉल, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की और 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पत्तन है? तो यहाँ पर 81 का राइट आंसर क्या हो, सी नंबर राइट आंसर यानी मैनचेस्टर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैनचेस्टर ने बी नंबर एथेंस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एथेंस, यहाँ पर राइट आंसर समुद्रिक पत्तन क्या है, एथेंस है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे, एंथेस है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि दो देशों का मध्य व्यापार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 83 नंबर का डी नंबर नहीं वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत एक सदस्य है, तो भारत एक सदस्य किसका है? तो राइट आंसर यानी साफ्टा का है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 85 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्ती सड़क नदी या नहर के किनारे होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जल्दी से बोलेगा, 85 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी रेखीय होती है, यानी सड़क में क्या होती है, रेखीय होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी एक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों का जवाब आ चुका है। तो बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर द्वितीय है। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रदेश में परलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती है रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 87 का बी नंबर यानी क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 88 का राइट आंसर ए नंबर 53 मिलियन सिटी थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 42 होना चाहिए, 53 आप लोग 42 होना चाहिए जी, यहाँ पर जो यानी 2011 के यानी प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी, 42 थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला, जरा फटाफट से देखिएगा। चलिए 89 नंबर क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति मैं कौन से प्रकार के साधन होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। तो 89 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर में आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ क्या है, ये सामाजिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है खनन नगर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर का, तो सी नंबर यानी क्या हो जाएगा, खनन नगर क्या हो जाएगा यानी ब्रोकलिन हिल है। ठीक है, ब्रोकन हिल राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो आज का हम लोग ये गूगल में सर्च करना है bbphelp.com सर्च करके वहाँ से जो है पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए आज का वीडियो